नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है इट्स ऑल फॉर सिविल इंजीनियरिंग चैनल में। आज हम अपनी केस स्टडी करने जा रहे हैं बीवर के ऊपर। गाइस, बीवर एक हमारे पास एक मैमल है। इसकी क्लास मेमेलिया है, जो रोडेंट की फैमिली से बिलोंग करता है, जैसे कि हमारे जो रैट्स होते हैं उनकी फैमिली से बिलोंग करता है ये। एंड ये वाटर एंड ग्राउंड पे ट्रैवल करता है। अगर मैं जनरल देखूँ कि मैं इसको सिविल इंजीनियरिंग क्यों कह रहा हूँ, तो सिविल इंजीनियर मैं इसे इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये इसको नॉर्मली जाना जाता है बिल्डिंग डैम्स, कैनाल्स को बिल्ड करता है ये, एंड अपने लिए लॉजिज बनाता है, जो मतलब होम्स होते हैं इनके। ठीक है, वो ये ऐसे तरीके से बनाता है जैसे कि एक सिविल इंजीनियर एक होम कंस्ट्रक्ट करता है। तो भी हम देखते हैं कि कैसे। तो हम इसकी पहले जनरल इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं क्या है। तो हमारी इसकी तीसरी जो जनरल इन्फॉर्मेशन है, ये स्लो ट्रैवल करते हैं लैंड पे, एंड ये बट ये गुड स्विमर होते हैं क्योंकि इनके जो जो लेग्स होते हैं वो जस्ट लाइक डक के लेग्स की तरह होते हैं। मैं आपको अभी आगे दिखाऊंगा। अंडर वाटर 15 मिनट तक स्ट्रे कर सकते हैं, ठीक है गाइस। एंड ये हाइबरनेट नहीं करते, तो इनको दिक्कत होती है जब स्नो होती है, तो इसलिए इनको अपने लिए लॉजेस बनाने पड़ते हैं। वो इनका डिफरेंट एक बहुत अच्छा कंसेप्ट है, मैं आपको आगे बताता हूँ कि कैसे अपना घर बनाते हैं। एंड बीवर्स जो रहते हैं ये 24 ईयर एज तक सर्वाइव करते हैं, और इनका जो वेट होता है वो 25 kgs तक होता है। अगर इसकी लोकेशन की बात करें तो ये नॉर्थ अमेरिका में पाए जाते हैं बहुत ज़्यादा में, ठीक है। एंड थोड़ा सा ही साउथर्न पार्ट में भी, डाउन को नीचे देखिए वहाँ पे भी पाए जाते हैं। बेसिकली अमेरिका नहीं है ये, कैनेडियन जो कैस्टर है वहाँ पे पाए जाते हैं, ठीक है। और हमारे पास दूसरे बीवर होते हैं जो यूरोपियन बीवर होते हैं, जो यूरोप साइड पाए जाते हैं, ठीक है। तो चलिए, इनकी लोकेशन तो होगी। अब देखते हैं इनकी बॉडी कन्फिग्रेशन क्या है, जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि ये सिविल इंजीनियरिंग क्यों कहलाए जाते हैं। अगर आप इनके फीट्स देखें, इनके जो फीट्स हैं वो वेब हिंज्ड हैं। जो इनकी टेल है वो स्केली होती है एंड ब्रॉड होती है, जस्ट जस्ट लाइक हमारा जो क्रिकेट बैट होता है उसकी तरह इसकी जो टेल है वो होती है। मैं अभी आपको दिखाता हूँ कैसी होती है। एंड इनकी जो फीट्स हैं वो स्विम करने के काम आते हैं, जो टेल्स है वो ट्रैक्शन देने के काम आती है। इनकी जो आई साइट होती है वो पुअर होती है, बट इनकी सेंस ऑफ हियरिंग बहुत अच्छी होती है, स्मेल अच्छी होती है। एंड जो इनके टीथ्स हैं, अगर हम टीथ्स की बात करें, बिकॉज एक डैम कंस्ट्रक्ट करने के लिए आपको कटिंग करना बहुत ज़रूरी होता है, जो टीथ्स हैं इसके देखिए रेड है। रेड कलर इसका इसलिए आया हुआ है क्योंकि इसके जो टीथ्स में वो आयरन है, जिसको ऑरेंज ऑरेंजी रेड कलर देता है। एंड इसके जो टीथ्स है वो कंटिन्यूसली ग्रो होते रहते हैं ताकि ये इजीली जो ट्रीज है उसकी कटिंग करता रहे। एंड इसका जो अगर आप इसके टीथ्स का स्ट्रक्चर देख रहे हैं, तो जस्ट लाइक चिजल जो हमारे पास होता है लकड़ी को शेप देने के लिए और काटने के लिए, ठीक है। चिजल मैं आपको बता देता हूँ चिजल होती क्या है। चिजल एक हमारे पास जस्ट लाइक जैसे एक नीचे से नुकीली सी होती है, एंड उसके ऊपर हम हथौड़ा मारते हैं तो वो इजीली उस चीज़ को शार्पली कट कर देती है, एक शेप देने के काम भी आती है। तो इसकी जो टीथ्स हैं वो लॉन्ग होते हैं, बाहर निकले होते हैं मुंह से, एंड जो इसकी चीजल लाइक स्ट्रक्चर होता है इनके टीथ्स का, जो वियरिंग करने के शार्पनिंग करने के काम आती है। अगर हम डैम्स की बात करें कि डैम्स कैसे बनाते हैं और क्यों बनाते हैं, तो गाइस ये डैम्स इसलिए बनाते हैं क्योंकि जब इनकी इनको जब एक्सेस वाटर से इनको खतरा हो जाता है कि जो हम वाटर है वो उनके घर को नुकसान पहुंचा सकता है, तो ये डैम कंस्ट्रक्ट करते हैं उस चीज़ के लिए, ताकि ये एक अच्छे हाइट लेवल पे सर्वाइव कर सकें एंड वो अपने फूड को भी इजीली टेक कर सकें। तो बीवर्स ये अपने जो डैम का जो बेस है उसको बनाते हैं बाय यूजिंग मड और ग्रेवल, ठीक है। उनको नीचे बिछाते हैं। अगर आपका वाटर उसमें वाटर का फ्लो अगर तेज़ हो डैम के अंदर, जो हमारी रिवर है उसके अंदर, जो हमारी रिवर है अगर उसके अंदर वाटर का फ्लो ज़्यादा हो, तो ये वर्टिकल पोल्स जस्ट लाइक पाइल्स, जैसे हम लोग पाइल्स रखते हैं तो वैसे ही ये अपने जस्ट वर्टिकल पोल्स को इनसाइड प्लेस कर देते हैं वर्टिकल साइड पे, एंड अपने एंड जो हॉरिजॉन्टली है उनको ब्रांचेस से प्लेस कर देते हैं। एंड उसके बाद जो उसके ऊपर वो मड ग्रेवल का से बेस तैयार करते हैं, एंड उसके ऊपर वो स्टिक्स से अपना स्ट्रक्चर को तैयार करते हैं, और जो गैप होते हैं एंड मड और एल्गी से पूरा का पूरा कवर कर देते हैं, ताकि जब विंटर्स आएँ तो जो स्नो है वो इनको हार्म ना करे। जो इनका यंगेस्ट मेंबर होता है वो कंस्ट्रक्ट करता है डैम को, एंड आफ्टर द कंस्ट्रक्शन ऑफ द डैम जो इनका जो पेरेंट बीवर होता है, इनका मेल बीवर, वो पूरे डैम जो डैम होता है एंड इनके लॉज होती है उसको इंस्पेक्ट करता है। अगर वहाँ पे कहीं भी कोई दिक्कत हो या कहीं से ओपन हो, तो उसको मड स्टिक्स और रॉक्स की हेल्प से टाइट कर देता है, ठीक है। और
ये उसको मेंटेन भी करते हैं, उसकी मेंटेनेंस भी प्रॉपरली करते हैं टाइम टू टाइम। चलिए आगे देखते हैं लॉजिस क्या होता है। गाइज लॉजिस एक ऐसा सा स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर ये रहते हैं, इनको स्नो से ये बचाता है। तो गाइज लॉजिस में भी इसकी बहुत बड़ी खासियत होती है, जैसे कि अभी देखिए इन्होंने डैम बनाया है और यहाँ पे अपना लॉजिस लॉज बनाया है। ये लॉज इस तरह से बनाते हैं कि इनको ये बर्फ से सेव रहे, एंड अगर आप देख रहे हो तो ये नीचे से एक पासेज बनाया है इन्होंने अपने रहने के लिए। ग्राउंड पर क्रॉल अच्छा नहीं कर पाते, बट इनकी जो स्विमिंग पावर होती है वो बहुत अच्छी होती है, तो ये स्विमिंग के लिए नीचे से एक रास्ता बनाते हैं। इस रास्ते के दो फायदे होते हैं। एक तो फायदा इनको ये पहुंचता है इस चीज़ से कि जो वुल्व्स हैं या जो अटैकिंग एनिमल्स हैं जो इनको हार्म पहुंचा सकते हैं वो इसके अंदर इजीली एंटर नहीं कर पाते। द सेकेंड रीज़न इज़ दैट कि ये इजीली यहाँ से वाटर को पी सकें एंड अपने लिए फूड का। जो ये लॉजीज हैं गाइज इनके, इनको ये मर्ज से भी वो कर देते हैं एंड अपने लिए थोड़ा सा ऑक्सीजन का पासेज बना के रखते हैं। जैसे कि अगर आप देख रहे हो तो यहाँ पे इन्होंने ये एक ऑक्सीजन का पैसेज बनाया हुआ है अपने लिए, ताकि ये अपने लिए इजीली ऑक्सीजन को भी एक्सचेंज कर सकें। तो गाइस अभी कैनाल की बात कर लेते हैं। गाइस ये जो वीवर्स होते हैं वो अच्छे से लैंड पे ट्रैवल नहीं कर पाते हैं, तो इसीलिए वो कैनाल्स बनाते हैं अपने लिए जिनका जो 3,300 फीट लॉन्ग हो सकती है। ये किस काम आती है, जैसे कि इनकी फैमिली अगर दूसरी साइड रह रही है तो ये इसलिए अगर इनको वहाँ पे जाना हो तो उसके लिए ये अपने लिए कैनाल्स बनाते हैं। सेकंड इनका जो रीज़न होता है कैनाल बनाने का वो ये होता है कि कैनाल से जैसे कि अगर इनको कहीं माइग्रेट करना है तो ये माइग्रेशन भी इजीली कर सकें। एंड थर्ड रीज़न इनका कैनाल बनाने का होता है फूड की खोज में, जो खाने की खोज में इनको जाना होता है उसके लिए कैनाल्स भी बनाते हैं। एंड कैनाल्स ये बनाते हैं, उनको लिंक करते हैं वेरियस रिवर के साथ, ठीक है। एंड बीवर्स को जो कनाडा की करेंसी में भी ऐड किया गया है, बिकॉज़ ये काफ़ी ज़्यादा यूनिक एनिमल है। अगर आप देखें अपने लिए स्टिक्स का होम बनाना, उसके ऊपर फिर वो मड से उसको रैप करना ताकि स्नो अंदर ना आ सके, फिर डैम कंस्ट्रक्ट करना ताकि उनका घर तेज़ पानी के बहाव में बह ना जाए, तो इसीलिए जो कैनेडियन गवर्नमेंट है उन्होंने डिसाइड किया कि बीवर की हम पिक्चर अपने क्वाइंस के ऊपर देंगे जाए, ताकि वो उनको टोकन ऑफ रिस्पेक्ट दे सकें टूवार्ड्स इन्वायरमेंट, बिकॉज ये इन्वायरमेंट के लिए काफ़ी ज़्यादा फ्रेंडली काम करते हैं। कैनाल्स बनाते हैं, कैनाल से गाइस क्या होता है कि जब वो कैनाल्स बनाते हैं तो वहाँ से वाटर फ्लो होता है, जो नियरेस्ट ट्रीज होता है या फॉरेस्ट होता है उसको इजीली वाटर पहुँच जाता है। तो हमने कंक्लूजन निकाला है ऑन द बेसिस ऑफ कंक्लूजन इसको निकाला है कि ये अपने पेरेंट्स से ही कंस्ट्रक्शन करना सीखते हैं एंड फिर उसके बाद उनके पेरेंट्स इंस्पेक्ट करते हैं, वो कंस्ट्रक्ट करते हैं। एंड सेकेंड कि ये मड को सीमेंट की कंक्रीट की तरह यूज़ करते हैं, स्टोन को रिटेनिंग वॉल और फाउंडेशन की तरह यूज़ करते हैं, एंड ट्रीज स्टिक्स को पायर्स की तरह यूज़ करते हैं, जो हम नीचे पायर्स देते हैं, मतलब ये फाउंडेशन भी बनाते हैं, बेस भी बनाते हैं एंड अपना लिए होम भी बनाते हैं, और उसको फिर अच्छे से फिनिशिंग भी देते हैं और ये उसकी मेंटेनेंस भी करते हैं। तो फिर उसके बाद अगर हम देखें तो ये रीइंफोर्समेंट के लिए एल्गी और ट्रीज़ की बार्क्स को और ब्रांचेस को यूज़ करते हैं, और दे कंस्ट्रक्ट कैनाल इन सर्च ऑफ फूड और न्यू होम। तो अगर हम इसके बेसिस पे भी देखें तो ये कहना गलत नहीं होगा कि ये सिविल इंजीनियर है। यस इट इज़ ए सिविल इंजीनियर, एक नेचर का दिया हुआ ऐसा सिविल इंजीनियर है जो अपने पेरेंट्स से नॉलेज ग्रैब करता है एंड अपने लिए एक अच्छा एनवायरनमेंट ऑफ लिविंग बनाता है। सो गाइज थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, होप यू लाइक इट। थैंक यू गाइज।